संयोग है, आदमी का सोचा चाह कुछ नहीं होता, समझ गए? संयोग है कि शनिवार को आना हुआ, मंदिर में क्या दिखा है उसे लगातार देखा, मंगल शनिवार हनुमान मंदिर। अच्छा, आज कौन दिन है? मंगलवार। मंगलवार शनि में भी आए, मंगल में भी आए, इस मंदिर तक अचानक आए, ऐसा क्यों, क्या कारण है? मंगल में ही क्यों आए? अभी इसके पहले बलदर भट्टा पर मिले हैं, बगल में भट्टा है, फिर हमने कहा चलो भट्टे में आए हैं तो यहाँ भी देख लें, कभी कभी इस मकान के अंदर भी घुसे रहते हैं, कभी कभी वहाँ भी जाके देख लेना। बाकी तो हमें यह बताओ, ये 11 बंदर गड़े थे, कच्चा चबूतरा बना हुआ था छोटा सा बस, और सामने घर दिखाओ ठाकुर राम सिंह का घर, ठीक अभी जा देखो। अब इनके धर्मपत्नी शहर में रहती, इनका बेटा वहीं हर कुछ करता है, शहर में रहने लगी, अब यहाँ उजाड़ खंड हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर ये चमत्कार क्यों हुआ, ये नहीं सोचेंगे है? किस जगह, कौन मंदिर में, कहाँ, दिल्ली के रहने वाली, उन्होंने लाइब्रेरी का नाम नहीं सुना होगा, गांव तो छोड़ो, और उनके पैसे का कलश हनुमान मंदिर के ऊपर ऊपर कलश लग गया, और पीछे से बनाओ जाए तो सामने सूर्य चमक रहा है, फिर से बनाओ वहाँ से जाके तो उस कलश में सुमन माँ बैठी। इन बातों को सोचो, कहाँ दिल्ली है, कहाँ, तो सुमन जी तो जहर खाने के लिए सोचा था, और कहाँ सुमन माँ बन गई, और फिर भी अंधों ने नहीं पहचाना है, वही बस जेल जाओ, उनको भेज रहे हैं, वो केजरीवाल हो गए, वो सिसोदिया हो गए, वो फलाने हो गए, और वो कौन रवि शंकर, अरे जितने नेता हैं किसी पार्टी के, उनको नहीं दिखाई पड़ता कि बगल में जाके सुमन माँ के चरण छू लो, सुमन माँ के काम देखाओ, हमें जवाब दो, हम तो चैलेंज से बात करते हैं। जब सुमन माँ की यह काम हो रहा है, उससे बड़ा कोई मंदिर हो भारत में तो हमसे बात करो, चलो। पत्थर के भगवान, कागज के भगवान, तो जो जिंदा है वो कौन है श्रीमान है? आप मर जाए, रात के अगवाड़े और पिछवाड़े रोटी ठूसी जाए, अच्छा लगेगा आपको है? नहीं लगेगा ना, बुढ़ापे में अगर बेटा आपको नहीं पूछता है, आत्मा आत्मा से शराब निकलती है, आप तो नहीं कहते हैं मोह के बस है? हाँ, इन्हें सब चिराग विराग बंद हो गया ना, नहीं नहीं, नहीं, हाँ हाँ यह होता है, हाँ वही तो सब नहीं बढ़िया, चवन रहा था रखे दो-चार महीने बैठे रहा, हाँ फिर उपार कहो कहीं जगह हुआ हुआ तो हमारे लड़के बनवा ले तो नहीं आ रही, सही बात। तो कुल मिला के ये सारी चीजें होती हैं जहाँ पुण्य का काम होगा, और अगर पाप छू गया तो फिर वो उलट जाता है मामला। अब एक समय था, पीछे देखो आगे तालाब, कितना मछली तक पाली गई, लोगों ने मना भी किया, अरे मंदिर के आगे मछली मत पाली गई, नाम हुआ पाली गई, अरे क्यों पाली गई, उनको मारने के लिए बेचने के लिए, वो भी हुआ। तो जब नहीं मानेंगे तो मामला उछड़ जाएगा, हर आदमी को दिमाग से सोचना चाहिए, हर हाँ हर आदमी एक यही चीज सोचता है कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, हर आदमी की सोच जो है, हाँ हाँ अब यहाँ देखो बिना रहे हुए, हाँ हाँ बाबा
तो वहां तो अभी देखा नहीं बंदर को जाके। कहा अच्छा, ये सुनो, ये वाले मकान के अंदर जरा इधर से जाके देखो, उधर ना जाओ, इधर से खेते खेत जाओ, अक्सर यही के अंदर घुसे रहा। और यहाँ हमने लोगों से कहा था कि अड्डा बनाओ, इस तार और झालर हटाओ बाजा, और खाली इनका अड्डा बनाओ, बरगद का पेड़ लगाओ सब, हाँ 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 हाँ, लेकिन कहीं कुछ नहीं, यही अच्छा वो जो गिट्टी है ना, उधर दिखाओ मोबाइल, वो गिट्टी के बगल में जो आम का पेड़ है, उसमें नान नान टिकोरिया दिखा, वही के नीचे दो चार टिकोरिया बेल लाओ, ये खुशबू वाला आम है, कुछ तापमान बताओ ना। अच्छा अच्छा ठीक, ये कोनिया में या बाजार में? हाँ ठीक है।